बर्मिंघम टेस्ट के पहले दो दिन इस वजह से खाली रहेंगी 10,000 सीटें। आपको बता दें कि एस्बेस्टन क्रिकेट स्टेडियम की क्षमता लगभग 25,000 है। इस मैदान पर भारत ने अब तक 6 टेस्ट मैच खेले हैं। यहां टीम इंडिया की जीत का खाता नहीं खुल पाया है। काउंटी क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी ने कहा कि भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के लिए टिकटों की बिक्री कम होने का कारण गलत कार्यक्रम है। एस्बेस्टन टेस्ट के पहले दो दिन लगभग 10,000 सीटें खाली रहेंगी। पहला टेस्ट बुधवार को शुरू होगा जबकि तीसरा टेस्ट मैच ट्रेटब्रिज में शनिवार 18 अगस्त को, जबकि पांचवा टेस्ट मैच ओवल में शुक्रवार 7 सितंबर को शुरू होगा। काउंटी चाहती है कि टेस्ट मैच गुरुवार से शुरू हो। भारत को पांचवें टेस्ट मैच के कुछ दिन बाद ही एशिया कप में खेलना है और इसलिए 5 मैचों की यह सीरीज 6 सप्ताह में समेट दी जाएगी। काउंटी के मुख्य कार्यकारी नील स्नोबाल ने डेली टेलीग्राफ से कहा कि हम पर बुधवार को मैच शुरू किए जाने का प्रभाव पड़ा है। पहले और दूसरे दिन टिकटों की उतनी बिक्री नहीं हो पाई जितनी हमें उम्मीद थी।